ढलान मिलानी और शरीर खुश हुआ नहीं, प्रलोभन मिलानी और मन खुश हुआ नहीं। जीवन में सबका भरोसा करना मगर प्रलोभन का भरोसा कभी मत करना, नेवर। वर्तमान गच्छाधिपति पूज्यपाद जय गोस्वामी माने मेरे पे भी लिखा था रत्न समाज, जब तक केवल नाम की प्राप्ति न हो तब तक प्रलोभन से दूर रहना। मुझे हम भगवान नहीं बने तब तक किसी चीज पे भी भरोसा मत करना, ये मानना ही नहीं कि बहुत आगे निकल गए। सच बोलो, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, गाड़ी लेके निकलने वाला ड्राइवर का एक्सीडेंट कब हो सकता है? निकलता है तब, बीच में है तब, या मंजिल नजदीक आती है तब भी? नहीं समझे तुम? हाँ, कभी एक्सीडेंट की संभावना कब होती है? नजदीक होता है तब, बीच में होता है कि मंजिल बिल्कुल करीबन करीबन आई तब भी वो मर सकता है? आप यही बोलो कि जब तक मंजिल नहीं आती है तब तक ड्राइवर के एक्सीडेंट का चांस है और है। जब तक हम भगवान नहीं बनते तब तक मन को प्रलोभन का डर है और 100% है। मंजिल तक पहुंचो फिर शांति से बैठना, भगवान बन जाओ फिर चिंता मत करना, तब तक कदम कदम सोच सोच के रखना है। नंबर दो, आइडेंटिफाई योर एनिमी। मेरे नेचर को बिगाड़ दे वो मेरा दुश्मन, मेरे मोरल को खत्म कर दे वो मेरा दुश्मन। और जो भी कार्य से, जो भी सोच से, जो भी बोलने से मेरा कॉन्शियस बाइट होता रहे वो भी मेरा दुश्मन। रिपीट, जो कार्य मेरे कॉन्शियस को डिस्टर्ब करता है, मुंह से निकलने वाले जो शब्द, आपको तीन बात बताना चाहता हूं। कार्य हो जाने के बाद जो सोचता है उनको मूर्खता कहा जाता है। रिपीट, कार्य हो जाने के बाद जो सोचता है उनको मूर्खता कहा जाता है। कार्य करते वक्त जो सोचता है उनको सतर्कता कहा जाता है। सतर्क माने, नहीं समझे, सतर्क माने अलर्ट। जो टाइम कार्य करता है उसी टाइम जो सोचता है वो सतर्क है। कार्य हो जाने के बाद भी सोचता है वो मूर्खता। कार्य करते वक्त जो सोचता है वो सतर्क है, और कार्य करने के पहले जो सोचता है वो बुद्धिमत्ता है। करने के पहले सोचना वो बुद्धिमत्ता, करते वक्त सोचना वो सतर्कता, करने के बाद सोचना वो मूर्खता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तीन कैटेगरी में करीबन करीबन हमारी जीवन की व्यवस्था क्या? करने के पहले सोचना, करते वक्त सोचना, और करने के